तो दोस्तों फाइनली अमेरिका के साथ भारत की एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसके माध्यम से भारत के लिए अमेरिका के 26 नए फाइटर जेट लिए जाएंगे। दरअसल आप सभी को एक बात पता होगी कि भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 नए फाइटर जेट लिए जाने थे, परंतु इन फाइटर जेटों में से दो टॉप के कंटेंडर थे, जिनमें से पहला था फ्रांस का राफेल मरीन और दूसरा था अमेरिका का F/A-18 सुपर होने। परंतु आज भारतीय नौसेना ने बताया कि जो हमारा INS विक्रांत है उसमें दो लिफ्टें यूज की गई हैं और इन दो लिफ्टों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10/14 की है और राफेल की जो चौड़ाई है वो 10.9 मीटर की पड़ती है और राफेल के जो पंख हैं उनको आप मोड़ भी नहीं सकते हो, जिसके कारण से भारत चाहकर भी राफेल मरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने के लिए नहीं खरीद सकता, क्योंकि यदि लिफ्ट के माध्यम से राफेल मरीन को एयरक्राफ्ट निचले वाले फ्लोर के ऊपर हम तैनात करते हैं तो यह एयरक्राफ्ट के निचले वाले फ्लोर पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके जो पंख हैं वो 10.9 मीटर के हैं और अपने जो लिफ्ट की चौड़ाई है INS विक्रांत की वो है 10 मीटर की। और साथ में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो तैनात होने वाले फाइटर जेट होते हैं उनमें से अधिकतम फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के निचले वाले फ्लोर के ऊपर रखा जाता है ताकि दुश्मन देश के निगरानी रखने वाले जहाज और ड्रोनों की पकड़ से भारत के जहाज पर तैनात फाइटर जेटों को बचाया जा सके। परंतु राफेल एम को यदि भारतीय सेना ले लेती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के निचले वाले फ्लोर पर राफेल मरीन पहुंचेगा ही नहीं, जबकि F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो इसके जो पंख हैं वो मुड़ भी सकते हैं और पंखों को मुड़ने के बाद जो F/A-18 सुपर हॉर्नेट की चौड़ाई है वो 10 मीटर से कम की हो जाती है और इस कारण से F/A-18 सुपर हॉर्नेट को INS विक्रांत के निचले वाले फ्लोर के ऊपर आसानी से रखा जा सकता है और बस इसी कारण से जो अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट है वो राफेल पर भारी पड़ गया है। और साथ में प्राइस की भी बात करें तो राफेल मरीन की जो प्राइस है वो 1600 करोड़ के आसपास भारत को पड़ती। इसके अलावा अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट की जो प्राइस है वो है $70 मिलियन यानी करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपए। और आप समझ ही सकते हो मोटा मोटी भी यदि कैलकुलेशन करते हैं तो एक राफेल मरीन की कीमत में 2 F/A-18 सुपर हॉर्नेट आ सकते हैं, या फिर अमेरिका ने इसका प्राइस थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया तो 2 राफेल की कीमत में 3 F/A-18 सुपर हॉर्नेट बड़े आराम से भारतीय सेना को मिल जाएंगे। फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और आपके हिसाब से F/A-18 सुपर हॉर्नेट और इसके अलावा राफेल में से कौन सा बेस्ट है कमेंट बॉक्स में फिर आवश्यक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।